ओला कैब को स्टार्ट हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें कैब बुक करना नहीं आता है। अगर उनसे कहा जाए कि एक कैब बुक करिए तो वो कहते हैं कि हमसे कैब बुक करना नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो के बाद से आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझसे कैब बुक करनी नहीं आती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूं कि आप ओला कैब कैसे बुक कर सकते हैं। आप एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर एक शहर से दूसरे शहर या किसी गांव जाने के लिए आप इजीली ओला कैब कैसे बुक कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप प्ले स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, वहां से आप ओला कैब्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने पर आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आती है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पर OTP आता है। आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है और आप ईमेल आईडी और रेफरल कोड भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस, आपका ओला अकाउंट बन चुका है। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी करंट लोकेशन को डिटेक्ट कर लेगा और इसके बाद आप इससे कैब बुक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर कैब बुक करने के काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप माइक्रो बुक कर सकते हैं, मिनी बुक कर सकते हैं या फिर प्राइम बुक कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर ऑटो भी बुक कर सकते हैं और आप यहाँ पर शेयर भी बुक कर सकते हैं। इनमें फर्क ये है कि माइक्रो और मिनी ये दोनों छोटी कार हैं, जबकि प्राइम बड़ी कार है और इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। यहाँ पर ऑटो है और एक शेयर है। शेयर में क्या होगा कि इसमें दूसरे लोग भी सफर करते हैं और उन्हीं के साथ आपको भी सफर करना होगा। इन सबका प्राइस भी अलग अलग होता है। माइक्रो और मिनी का प्राइस काफी कम होता है, साथ ही ऑटो का प्राइस भी काफी कम होता है और सबसे कम प्राइस होता है शेयर का और सबसे ज्यादा प्राइस होता है प्राइम का। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो चाहे वो कैब बुक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर मिनी बुक करनी है तो यहाँ पर मैं मिनी चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पर हमें लोकेशन का ऑप्शन मिलता है। पहले आपको यहाँ पर पिकअप लोकेशन डालनी होगी कि आप कहाँ से पिकअप करना चाहते हैं, यानी कार वाला आपको कहाँ से लेगा। तो आप यहाँ पर इसको जूम करके यहाँ से भी आप इस तरीके से इसको ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप ऊपर यहाँ पर भी एड्रेस डाल सकते हैं। वैसे तो जहां पर भी आप खड़े हैं ये ऑटोमेटिकली उस लोकेशन को ले लेता है। नीचे आपको यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन डालनी होगी कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। मान लीजिए मैं कुतुब मीनार जाना चाहता हूं तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं कुतुब मीनार। यहां पर एक लिस्ट आ गई है, इसी में से हम चूज कर लेंगे। यहां पर पिकअप और ड्रॉप दोनों लोकेशन चूज करने के बाद आप राइट नाउ पर क्लिक करेंगे। राइट नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर इंश्योरेंस का एक ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहें तो इंश्योरेंस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 1 रुपीज देना होगा। अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते, इसको यहां से बंद कर देते हैं और प्रोसीड विदाउट इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहां पर प्राइस आ जाएगा, क्योंकि हम मिनी बुक कर रहे हैं तो मिनी का यहां पर प्राइस है 236 रुपीज और अगर हम प्राइम बुक करेंगे तो प्राइम यहां पर सस्ती बुक हो जाएगी 270 रुपीज में, क्योंकि इस टाइम प्राइम का जो प्राइस है वो काफी कम चल रहा है। तो कैब का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है, बल्कि वो टाइम के हिसाब से कम या ज्यादा होता रहता है। अगर डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस भी ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आप शाम के टाइम में कैब बुक करेंगे तो उसका प्राइस आपको ज्यादा मिलता है, जबकि अगर आप सुबह के टाइम में या रात के किसी टाइम में कैब बुक करेंगे तो उस टाइम आपको इसका प्राइस कम मिलता है। तो ये डिमांड पर डिपेंड करता है, जैसी डिमांड होगी वैसा ही प्राइस होता है। तो यहाँ पर अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करेंगे और आपकी ये कैब बुक हो जाएगी। कंफर्म पर क्लिक करते ही हमारे आसपास की सभी कैब्स को फाइंड करेगा और जो भी कैब हमारे सबसे नजदीक होगी उसी को ये बुक कर देगा और उस कैब के ड्राइवर के पास हमारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, जिससे वो हमारी लोकेशन पर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये कैब बुक हो चुका है और ये 7 मिनट में मेरी लोकेशन पर आ रहा है। यहाँ पर कार का नंबर भी आ रहा है और ये ड्राइवर है। आप डायरेक्टली यहाँ पर ड्राइवर को कॉल भी कर सकते हैं और आप उसको लैंडमार्क बता सकते हैं। यहाँ पर प्राइस आ रहा है, आपको टोटल 236 रुपीज देने होंगे। अब क्या होगा कि ड्राइवर जब आपकी लोकेशन पर आ जाएगा तो आपको कैब में बैठना है और कैब वाला आपसे एक OTP मांगेगा, तो आपको यहाँ पर ये OTP देना है। जैसे कि हमारे केस में है
7978। तो ये OTP आप ड्राइवर को देंगे, ड्राइवर इसे अपनी डिवाइस में डालेगा तो ड्राइवर के सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और वो आपको वहां पर छोड़ देगा। और वहां पर जैसे ही वो आपका ट्रिप एंड करेगा तो वहां पर प्राइस लिखा हुआ आ जाएगा। ये प्राइस आप उसको पे करेंगे, आप चाहे तो पेटीएम से पे कर सकते हैं या फिर आप उसको कैश में भी दे सकते हैं। अगर आपका प्लान बदलता है और आप राइड को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैंसिल राइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल का चार्ज लगता है, आपको 15 रुपीज से लेकर 50 रुपीज तक का चार्ज देना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये रीजन चूज कर लेता हूँ और इसके बाद कैंसिल पर क्लिक करेंगे। कैंसिल पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैसेज आ गया है कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। ऊपर यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिल रही होगी, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सेटिंग्स आती है। यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, आपका नेम मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें आप कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट यहाँ पर सेव कर सकते हैं। एड कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें से आप यहाँ कोई भी कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं। अगर कभी कुछ हो जाता है तो आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को कॉल किया जाएगा। यहाँ पर ओला पास का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ओला पास बनवा सकते हैं, मतलब अगर आपको रोजाना कहीं आना जाना होता है तो आप ओला पास बनवा सकते हैं, इसमें आपको थोड़ी छूट मिल जाती है। योर राइड्स पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने कितनी राइड्स बुक की है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने एक राइड बुक की थी और उसको मैंने कैंसिल कर दिया है और यहाँ पर कैंसिल का कोई चार्ज भी नहीं लगा है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, अगर आप अपनी कैब को कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पर चार्ज देना होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आता है, और वो चार्ज आपको तब पे करना पड़ेगा जब आप कोई नेक्स्ट राइड बुक करेंगे, तो उस राइड का जो किराया होगा उस टोटल किराए में ये चार्ज भी मिल करके आता है और आपको पे करना होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ओला मनी का, इस पर आप क्लिक करिए, इसमें आप ओला मनी सेट कर सकते हैं। ओला मनी का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आप एक बैलेंस ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जब भी आप कहीं ओला कैब से सफर करेंगे तो आपको कोई भी पैसे वहां पर पे नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि ऑटोमेटिकली ओला मनी वॉलेट से वो कट हो जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ओला मनी में अगर आपका बैलेंस है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई कैब कैंसिल की तो उसमें भी कट हो जाएगा, या कहीं भी वो कट हो सकता है, उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए ओला मनी में आपको यहाँ पर बैलेंस ऐड नहीं करना चाहिए। और जो ओला कैब के ड्राइवर्स होते हैं उन्हें भी कैश ही पसंद होता है, ओला मनी उन्हें पसंद नहीं होता, क्योंकि ओला मनी में पैसा पहले ओला कंपनी के पास जाता है और उसके बाद ही ड्राइवर्स को मिलता है। जबकि अगर आप ड्राइवर के पेटीएम में करते हैं या उसको कैश देते हैं तो पैसा ड्राइवर के पास जाता है, जो कि सभी ड्राइवर यही पसंद करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ड्राइवर्स आपको कॉल करके पूछते हैं कि आप कैश में देंगे या फिर ओला मनी देंगे। अगर आप बोलते हैं ओला मनी देंगे तो हो सकता है कि वो आपकी राइड को कैंसिल भी कर दें। इसी तरीके से अगर आप शेयर बुक करना चाहते हैं जिसमें पहले से ही सवारियां होती है, तो आप यहां पर शेयर चूज करेंगे, ऊपर यहां पर आप अपनी पिकअप लोकेशन डालेंगे, नीचे यहां पर ड्रॉप आप कहां जाना चाहते हैं, और उसके बाद यहां राइड नाउ पर क्लिक कर देंगे। राइड नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर अमाउंट आ जाएगा, आपको 161 रुपीज पे करना है शेयर के लिए। यहां पर आप सीट चूज करेंगे, कितनी सीट्स आपको चाहिए, 1 सीट या फिर 2 सीट्स। तो यहाँ पर हम 2 सीट्स बुक कर लेते हैं, तो 2 सीट्स के लिए आपको यहाँ पर देने होंगे 205 रुपीज। तो जो शेयर होती है, शेयर में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो दूसरी सवारियों को छोड़ते हुए जाती है, लेकिन उसमें किराया भी कम होता है। तो अगर आपको अपना किराया बचाना है तो आप शेयर कैब ले सकते हैं, और अगर आपको जल्दी है तब आप मिनी, माइक्रो या फिर प्राइम ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही कन्फर्म बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे आसपास में जितनी भी शेयर कैब्स हैं उन सबको सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद जो सबसे पास में होगी उसको हमारे लिए बुक कर देगा, और बुक होते ही हमारी इंफॉर्मेशन उस कैब के ड्राइवर के पास पहुंच जाएगी और वो हमारी लोकेशन पर आ जाएगा। ये तो बात हुई कि आप एक ही शहर में कैब को कैसे बुक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, आप अपने गाँव जाना चाहते हैं, तो आप कैसे कैब बुक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मुझे देहरादून जाना है, या फिर दिल्ली से मुझे बिजनौर जाना है, या फिर दिल्ली से मुझे कहीं भी जाना है, तो मैं आउटस्टेशन के लिए कैब कैसे बुक कर सकता हूँ। इसके लिए यहाँ आउटस्टेशन पर क्लिक करेंगे। आउटस्टेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर पिकअप लोकेशन को चूज करेंगे, आप कहाँ से पिकअप चाहते हैं। यहाँ पर आप मैप में भी इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर भी यहाँ पर अपनी लोकेशन टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ड्रॉप लोकेशन डालेंगे, आप जाना कहाँ चाहते हैं। इसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, वो कितना भी छोटा गांव हो वहां पर भी ये कैब चली जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर बिजनौर डाल देता हूँ।
बिजनौर में भी कहां पर जाना चाहते हैं आप यहां से मैप में इसको ड्रॉप कर सकते हैं और इसके बाद यहां कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप वन वे ट्रिप चाहते हैं या राउंड ट्रिप चाहते हैं। अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं तो वन वे चूज कर लीजिए, और अगर आप जाने के बाद रिटर्न भी होना चाहते हैं तो आप राउंड ट्रिप यहां पर चूज कर लीजिए। तो आप यहां पर चूज करके देख लीजिए, अगर वन वे आपको मिलता है तो ठीक, और अगर आपको वन वे नहीं मिलता है, जैसे कि देखिए बिजनौर के लिए वन वे नहीं मिल रहा है, तब आपको यहां पर राउंड ट्रिप ही चूज करना होगा। यहां पर लीव ऑन यानी वो आपको कब ड्रॉप करेगा, यहां से आप टाइम चूज कर लेंगे। जैसे कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैं चाहता हूं कि वो 10 बजे मुझे यहां से पिकअप करने के लिए आ जाए, तो यहां पर मैं टाइम चूज कर लेता हूं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और आपको यहां पर रिटर्न टाइम देना होगा कि आप वहां से रिटर्न कब होना चाहते हैं। अगर आप रिटर्न नहीं होना चाहते तो आप यहां पर यही टाइम छोड़ दीजिए और इसके बाद कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने यहां पर टाइम आ जाएगा, 5 घंटे का ये राउंड ट्रिप रहेगा जिसमें कार 290 किलोमीटर चलेगी। यहां पर आपके सामने कार के ऑप्शन आ जाते हैं, आप मिनी बुक कर सकते हैं जिसमें आपको वैगनार मिलेगी जो रहेगी 10 रुपए पर किलोमीटर। प्राइम प्ले 11 रुपए पर किलोमीटर रहेगी, इसमें आपको डिजायर मिलेगी और इसमें आपको कैब इंटरटेनमेंट भी मिलता है, मतलब इसमें आपको एक LED मिलेगी, उसमें आप मूवीज सॉन्ग्स देख सकते हैं। साथ ही नीचे यहां पर और भी ऑप्शंस हैं, तो चलिए यहां पर मैं मिनी बुक करता हूं, मिनी पर क्लिक करेंगे। यहां पर बुकिंग की पूरी समरी आ चुकी है, वैगनार रहेगी 4 सीटर और पिकअप और ड्रॉप लोकेशन आ चुकी है, टाइम भी आ चुका है, नीचे यहां पर अमाउंट आ चुका है, हमें यहां पर 3,336 रुपीज पे करने हैं। सी फेयर डिटेल्स पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं कि इतना किराया हमें क्यों देना पड़ रहा है। नीचे आएंगे यहां पर आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, इंश्योरेंस सिर्फ 49 रुपीज में होगा लेकिन इसमें आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके बेनिफिट्स यहां पर आ जाएंगे। यहां पर देखिए, अगर इस सफर में कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 7,50,000 रुपए मिलेंगे, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो 2,00,000 रुपए मिलेंगे, और इसी तरीके से यहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो आप यहां पर ये 49 रुपीज में इंश्योरेंस जरूर कराइए क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहां कंफर्म एंड बुक पर क्लिक करेंगे। कंफर्म एंड बुक पर क्लिक करते ही देखिए राइड यहां पर बुक हो चुकी है, गेट इट पर क्लिक करेंगे और राइड से 30 मिनट पहले ड्राइवर का मोबाइल नंबर आपके साथ यहां शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ये राइड बुक हो चुकी है, ये देखने के लिए आप यहां 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, योर राइड्स पर क्लिक करेंगे और आप देखिए यहां पर जो हमने आउट स्टेशन के लिए कैब बुक की है वो बुक हो चुकी है, यहां पर उसकी डिटेल आ रही है। अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो इसके लिए आप यहां कैंसिल पर क्लिक करेंगे और यहां पर चूज करेंगे आप इसे कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। अगर जो टाइम आपने सेटअप किया है उससे 5 मिनट पहले आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहां पर कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पर रीजन चूज कर लेता हूं, प्लान चेंज्ड। इसके बाद कैंसिल पर क्लिक करेंगे और ये राइड यहां पर कैंसिल हो चुकी है। ये तो बात हुई कि आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं एक शहर में ही या फिर एक शहर से दूसरे शहर के लिए, लेकिन अगर आपको कैब में कोई प्रॉब्लम आती है और आपको कोई हेल्प चाहिए तो इसके लिए आप यहां 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, सपोर्ट में जाएंगे, जितनी भी कैब्स आप बुक करते हैं सारी कैब्स की लिस्ट यहां पर आ जाती है, आप उस पर क्लिक करके यहां पर ड्राइवर की कंप्लेन भी कर सकते हैं, और अगर आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट लिया गया है यहां कॉलेज पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ओला कस्टमर से यहां पर बात भी कर सकते हैं और उन्हें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर आपसे गलत चार्ज किया गया है तो आपका जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से आप इजीली ओला कैब बुक कर सकते हैं। ओला कैब को आप एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बुक कर सकते हैं और साथ ही आप एक शहर से दूसरे शहर के लिए या फिर किसी शहर से अपने गांव जाने के लिए भी ओला कैब को बुक कर सकते हैं। आपका गांव चाहे कितनी भी दूर हो आप ओला कैब के जरिए वहां पर जा सकते हैं। जब आप एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ओला कैब बुक करते हैं तो वहां पर प्राइस शो होता है, आपको वो अमाउंट पे करना होता है और उसमें आपको सिर्फ एक ही OTP ड्राइवर को देना होता है। लेकिन जब आप आउट स्टेशन के लिए यानी एक शहर से किसी दूसरे शहर या फिर एक शहर से अपने गांव जाने के लिए यानी आउट स्टेशन के लिए जब आप ओला कैब बुक करते हैं तो उसमें आपके मोबाइल फोन पर 2 OTP आते हैं। एक OTP आपको ड्राइवर को देना होता है जब वो आपको पिकअप करता है और उसी टाइम आपको गाड़ी के मीटर में चेक कर लेना चाहिए कि वो गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि आउट स्टेशन वाली राइड्स में आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करना होता है।
तो एक ओटीपी तो आप ड्राइवर को उस टाइम देंगे जब वो आपको पिकअप करेगा, और दूसरा ओटीपी आप ड्राइवर को तब देंगे जब वो आपको आपकी जगह पर आपकी लोकेशन पर ड्रॉप कर देगा। वहां पर आप ओटीपी देंगे और वहां पर टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वहां पर शो हो जाता है और आपको पेमेंट करना होता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप ओला कैब को कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।